पुलिस द्वारा नशे को लेकर छेड़े गए अभियान के तहत डीएसपी नूरपुर साहिल अरोड़ा के नेतृत्व में पुलिस ने नशे का गढ़ माने जाने वाले क्षेत्र चन्नी वैली में धावा बोला। भारी भरकम पुलिस बल को देखकर क्षेत्र में नशे का कारोबार करने वालों के होश उड़ गए। वहीं पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई से उन्हें काफी हद तक सफलता भी मिली है। डीएसपी नूरपुर साहिल अरोड़ा के अनुसार नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत इंदौरा थाना प्रभारी सुरेंद्र धीमान व डमटाल थाना प्रभारी हरीश गुलेरिया ने पुलिस बल के साथ छन्नी में बड़ी कार्रवाई की। दबिश के दौरान पुलिस ने चिट्टा तस्करों एवं शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों मिलीलीटर कच्ची शराब व चलती हुई 8 भट्टियां एवं एक चालू भट्टी भी पकड़ी है। इसमें गोशा पुत्र अमरनाथ 70,000 अवैध शराब का पर्चा दाखिल किया गया है और 18 मोटरसाइकिल एक स्कूटी जिनके नंबर नहीं है उन्हें भी कब्जे में लिया गया है। डीएसपी डॉक्टर साहिल अरोड़ा ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नशे के गढ़ सीमांत गांव छन्नी में चिट्टे के तस्कर एवं भारी मात्रा में अवैध शराब भेजने वालों की सूचना मिली है। पुलिस ने छापामारी के दौरान 8 भट्टियों को जब्त किया है। इसके अतिरिक्त ड्रमों सहित लाखों मिलीलीटर अवैध कच्ची शराब के जखीरे को भी नष्ट किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से नशा माफिया को लाखों का नुकसान भी पहुँचा है। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 3 दिवसीय हिमाचल दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस बार भी जगत प्रकाश नड्डा 7, 8 और 9 अक्टूबर को दुर्गा पूजा के लिए विशेष तौर से बिलासपुर पहुंचेंगे। वे बिलासपुर के प्राचीन मंदिर धौलरा मंदिर में चल रहे दुर्गा पूजा उत्सव में भाग लेंगे और दुर्गा पूजा करेंगे। इस बार दुर्गा पूजा के लिए बंगाल से पंडित और मूर्ति विशेष रूप से मंगवाई गई है। इन मूर्तियों का सौंदर्य देखते ही बन रहा है। जेपी नड्डा की धर्मपत्नी और विशेष ओलंपिक की अध्यक्षा मल्लिका नड्डा स्वयं इस उत्सव में 10 दिन तक भाग ले रही हैं और दुर्गा पूजा के साथ भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। विशेष ओलंपिक की उपाध्यक्ष मल्लिका नड्डा ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान बताया कि ये दुर्गा पूजा उनका परिवार 18 वर्षों से लगातार करता रहा है और इसमें विशेष रूप से बंगाल से माताजी की मूर्तियां और पंडित को बुलाया जाता है। फिर गोविंद सागर झील में माताजी का विसर्जन किया जाता है जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा भाग लेंगे। शरदा उत्सव को लेकर पूरा बिलासपुर में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग दुर्गा पूजन के लिए भारी संख्या में भी पहुँच रहे हैं। भाजपा के जिला सचिव स्वदेश ठाकुर ने बताया कि भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के 3 दिवसीय हिमाचल दौरे को लेकर जनता और कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह है। बिलासपुर पहुंचने पर उनका मेला ग्राउंड बिलासपुर में भव्य स्वागत किया जाएगा और 9 सितंबर को उनका कुल्लू व मंडी के कार्यक्रम भी हैं। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी पर शारदीय नवरात्रों के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ पूजन के लिए मां के मंदिर में ही सुबह से उमड़ रही है। दोपहर तक श्रद्धालुओं की भीड़ 5 नंबर गेट सेक्टर तक पहुंच जा रही है। श्रद्धालुओं को छोटे छोटे जत्थों में मंदिर में भेजा जा रहा है और श्रद्धालु आराम से लाइनों में माँ के दर्शन भी कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन मंदिर न्यास और पुलिस के द्वारा व्यापक व्यवस्था की गई है जिसके चलते श्रद्धालुओं को माताजी के दर्शन के लिए परेशानी का सामना ना करना पड़े। लाइनों में भी श्रद्धालुओं को माता के दर्शन के लिए भेजा जा रहा है। मौसम साफ होने के वजह से और पिछले 3 दिनों से चल रही तेज बारिश से लोगों को कुछ राहत जरूर मिली है। दुकानदारों ने भी जमकर कारोबार किया और काफी बढ़िया दिन रहा। मंदिर न्यास के अध्यक्ष SDM सुभाष गौतम ने बताया कि मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी संख्या में पहुंचने का सिलसिला जारी है और मंदिर न्यास जिला प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु सभी पुख्ता बंदोबस्त किए हैं।
श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न आए इसके लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। जेब कतरों और असामाजिक तत्वों पर भी प्रशासन की कड़ी नजर है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा का कहना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार हमेशा से ही मंदिरों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अग्रसर रही है और नवरात्रों में यहां श्रद्धालुओं को हर तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। जबकि मंदिर न्यास के अध्यक्ष सुभाष गौतम के मुताबिक मंदिर न्यास का मुख्य उद्देश्य बाहरी प्रदेशों से आए प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करना है, जिसके लिए मंदिर क्षेत्र का विकास लगातार जारी है।